to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. रनों की बरसात के बीच जीत गई हैदराबाद की टीम, 23 रन से हार गई कोलकाता की टीम। लक्ष्य पहाड़ सा बड़ा था, लेकिन कोलकाता का आगाज उतने ताकतवर तेवरों के साथ हुआ नहीं। 20 रन पर उसके तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद 36 रन बनाने वाले नारायण जगदीशन की भी विदाई हो गई। क्रीज पर जमी तो कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह की ये जोड़ी, जब तक दोनों साथ रहे, हैदराबाद के गेंदबाजों को संदेश देते रहे कि पासा कभी भी पलट सकता है। आखिरकार नीतीश राणा की 75 रन की हिम्मत भरी पारी पर लगाम कसी नटराजन ने, लेकिन रिंकू सिंह आखिर तक जमे रहे, रन बनाते रहे, ये जानते हुए भी कि बाजी अब हाथ से निकल रही है। रिंकू 58 रन बनाकर नाबाद रहे। 229 का लक्ष्य दिया था हैदराबाद ने, नाबाद 100 रन बनाए थे हैरी ब्रूक ने। बाकी सब छोड़िए, आप हैरी ब्रूक की या आतिशी बल्लेबाजी देख लीजिए। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, चौके पे चौका, छक्के पे छक्का। वरना शुरुआती 2 विकेट जाने के बाद तो ऐसा लगने लगा था कि हैदराबाद कोलकाता के सामने हल्ला कैसे बोल पाएगा। वैसे दूसरे छोर पर उनका साथ दिया मार्क्रम ने, उन्होंने 26 गेंद में हाफ सेंचुरी जमाई। लेकिन ब्रूक ने तो जैसे बेखौफ होकर मोर्चा संभाल रखा था, उनके शॉट से मैदान का हर कोना गुलजार हो रहा था। बड़े बड़े स्पिनर्स आए, लेकिन ब्रूक को फंसा नहीं पाए। बड़े बड़े पेसर भी आए, लेकिन ब्रूक के सामने पराक्रम दिखा नहीं पाए। 3 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 55 गेंद में उन्होंने शतक जमा दिया। फिर अभिषेक शर्मा और क्लासन ने तेज तर्रार बल्लेबाजी कर स्कोर 228 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।